पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, ये ऐसा ज्ञान हो गया, इसमें रह रहकर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व में जाना है। एक दिन वो भी आएगा, सभी चैनलों पर ये ज्ञान चलेगा, तो इसमें रह रहकर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। नहीं तो पहली बार कोई भक्त सुनेगा एकदम उसके तो कुनीन जैसा मुंह कड़वा हो जाएगा, जैसे कुनीन की गोली खाया करे। और पुण्यात्माओं, जिसके कोई रोग है मलेरिया, तो कुनीन की गोली खानी ही पड़ेगी, चाहे इच्छा करके खा ले चाहे अनिच्छा से खा, वो खाए बिना रोग कटे को नहीं, मलेरिया से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये तत्व ज्ञान जो दास आपको सुना रहा है, भले ही आपको एक बार बुरा लगे या फांकी मार लो एक बार, कोई गलत दास बोलता नहीं किसी संत या महंत के बारे में या किसी देवी देवता के बारे में, जो उनकी हिस्ट्री है जो आप नहीं समझ सके, उन सदग्रंथों को इस दास को परमात्मा ने समझा दिया और टीचर बन गया ये दास। टीचर का फर्ज बनता है कि अब बच्चों का विश्वास दृढ़ करवाऊं, जो नकली गुरुओं के पास फंसे पड़े हैं वो उनसे हट सके और सच्चाई को ग्रहण कर सके। मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे आवश्यकता नहीं थी इन सदग्रंथों की, ना वेदों की, ना गीता जी की और ना ही इन पुराणों की। जरूर आवश्यकता मतलब यह है कि मैं इनसे नफरत नहीं करता, क्योंकि जो ज्ञान मुझे चाहिए था वो पांचवें वेद में मिल गया, सूक्ष्म वेद में, सचिदानंद घन की ब्रह्म की वाणी में। और उस ज्ञान पर मेरा वो कादृढ़ विश्वास हो गया, क्योंकि वो परमात्मा की वो उपलब्धियां मुझे हुई जो भगवान किया करता है। उसके बाद दास पहले इन पुस्तकों को पढ़ता था, पवित्र हिंदू धर्म जन्म होने के कारण चारों वेद तो नहीं पढ़े पहले, लेकिन गीता जी और पुराणों को अवश्य पढ़ा करते थे, लेकिन समझते नहीं थे, क्योंकि हमारे मोतियाबिंद था। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन दास का किया प्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर जी ने, तो वो करने का विधि मुझे बता दी, मैं भी ऑपरेशन कर सकता, ये दास भी ऑपरेशन करने का के योग्य बना दिया, सर्जन बना दिया, आई स्पेशलिस्ट बना दिया, यानी ज्ञान रूपी आँखों को मोतियाबिंद हटाने के योग्य कर दिया। तो अभी दास आप सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहा है, तो मुझे इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपके लिए जरूरत पड़गी इनकी। जैसे मेरे लिए तो ये अंधे वाली लालटेन है, एक अंधा अंधेरे में ब्लाइंड मैन लालटेन जगा के हाथ में लिए हुए जा रहा था, आगे से एक व्यक्ति आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, वो उछल कूद करते हुए उसने आवाज लगाई कि देखना बच्चों मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना बच्चा ध्यान से चलना। बच्चे उस अंधे व्यक्ति के चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा तू सचमुच अंधा है? कहा बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर ये जगती हुई लालटन किस लिए ले रखी है, जलती हुई लालटन, कि तुम अंधा बोला तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी की तोड़ दो दे, इस रोशनी में तुम दूर कर टल जाओ, मेरी जान बच जा, अपनी जान रक्षा के लिए इसको लालटन ले रहा हूं। तो ये दास के लिए तो अंधे वाली लालटन है, कहीं तुम एक बार कुपित होकर मेरे साथ ना शरफड़वाण आ जाओ, उस या लालटन दिखा देता हूं, फिर सारे शांत हो जाते हैं। भाई कह तुम्हारा सच्ची अकती तोड़ पाड़ रखे और फिर अपने घर घर सब कर रखे हैं, ये पुराण सभी उठाकर देख लेते हैं, पृष्ठ नंबर देख लेते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं और इस दास के पास सौ सौ शुक्र मनाते हैं आकर के, आप आंखें खोल दी। और कई भक्त आते हैं कहते हैं जी हमें माफ़ कर देना, पहली बार आपके वचन सुने तो कुनीन से भी कड़वे थे, आपको बहुत गालियां दी, बहुत बूंदा मन में सोचा है, इसकी गर्दन तोड़ दो, यू गंदा आदमी है, यू निंदा करता है, और जब आपके प्रमाण देखे घी सा गल गया और कति शांत हो गया, हमने माफ़ कर देना। माँ बेटा कति माफ़ हो, कति माफ़ हो, आप परमात्मा के बच्चे हो और दास को ड्यूटी लगा दी, क्योंकि सब का नशा कर रखा काल ने, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी।
21 ब्रह्मांडों में माया की भांग डाल रखी है और ये एंटीबायोटिक केवल एक दास के पास ही हैं, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त हैं कि एक बार पूरे विश्व का भांग तार देंगे और सबकी आँख बनावेंगे। अब ये मीडिया जो बने चैनल, ये सैटेलाइट और पुराने, ये परमात्मा कबीर जी की देन है और इसलिए दी थी कि परमात्मा के बच्चे पहले तो शिक्षित हों, ये ज्ञान समझें, शास्त्रों को स्वयं देखें और फिर एक सीडी चला करके पूरे विश्व को ये ज्ञान दिया जाएगा। ये इसलिए परमात्मा ने ये बुद्धि जीव को दी ना, जीव के सत्र की बुद्धि है ये, इसे कंप्यूटर बना लेना और ये सैटेलाइट सेट कर लेना। ये पहले भी ताड़े थे हमारे दादे परदादे, कुछ ना बना पाए बेचारे, लेकिन ये समय निर्धारित था परमात्मा का कि इस समय ये देना है और कुछ वर्षों के बाद देख लेंगे यह विज्ञान आड़े एक दरिद्राई रह जाएगी, ना बूंद पड़े ना वर्षा हो और ना यह विज्ञान रहे और ना भक्ति करने वाले व्यक्ति रहे, बहुत बुरे व्यक्ति हो जाएंगे कुछ वर्षों के बाद, अभी हो रहे हैं। लेकिन इस तत्व ज्ञान से एक बार पूरे विश्व में शांति फैलेगी और भगवान की भक्ति पूरी पनपेगी, सब भक्ति करेंगे बालक से लेकर बूढ़े तक और परमात्मा ऐसी व्यवस्था बदलेगा, समय मौसम ठीक करेगा, समय पर वर्षा किया करेगा आपकी पुनों के कारण और बहुत अच्छा माहौल सतयुग जैसा एक बार फिर पुनः पनपेगा। इस दौरान इस समय में जो पार हो गया सो हो गया, फिर तो कई युगों तक यही धक्के खाता रहेगा ऊपर। तो ये बिचली पीढ़ी है। तो अब आपको दिखाते हैं या लालटेन दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म मृत्यु का रोग है, अर्थात ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। देखिए ये वही श्रीमद् देवी भागवत पुराण, इसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। इस पवित्र पुराण के 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, तीसरा स्कंध, पृष्ठ। अब भगवान शंकर जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और त्रोभाव बिन मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओहो, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सती थी और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, इसे सिद्ध है। अब इससे चार बात, चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, वर्क डन ही देते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो ब्रह्मा विष्णु में इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में और 4 के अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में ये स्पष्ट आपने अभी सुनाया आपको, उसमें ये लिखा है कि
ये भी देख लो एक बार, क्योंकि हम गीता सभी पढ़ते थे पर समझ नहीं पाते थे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता ब्रह्म जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है, वो कहता है कि तू पहले भी था, मैं भी था, राजा भी थे, आगे भी होंगे, यानी जन्म मृत्यु अपनी बनी रहेगी। अब 2:17 में क्या कहा है गीता जी, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 में, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारा संसार की रचना की है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ये है वो अविनाशी। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां पर नीचे इसकी पूरी संस्कृत है, यहां इसका अनुवाद है। हे प्रंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब 9 में देखना, ये 9 अध्याय 4 का 9 श्लोक, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, दिव्यम अर्थात अलौकिक है। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नाशवान है, ये अविनाशी नहीं, ये समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये भी देख लो पुण्यात्माओं, आपको ऐसा रटा दूंगा इस इन सदग्रंथों को, क्योंकि आप बुद्धिमान है मनुष्य, आज छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, कंप्यूटर बना लिए, ऋषि बुढ़िया बुढ़िया सारे हैं, बहुत ही कठिन पढ़ाई पढ़ रहे हैं, या तो बहुत आसान पढ़ाई भगवान की, जिस पढ़ाई को तुम पढ़ रहे हो ये तो रोजी रोटी के लिए है, इसी जीवन में कुछ धंधा दो रोटी आपको मिलेगी, अच्छी मिल जाएगी, इसलिए प्रयत्न है। और 16, 17, 18 तक आप करते हो, और अब तो सब कुछ मिल गया, आगे फिर चूहे बन जाओगे कि तह पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, वो बीमारी तो ना कट्टी। और इस पढ़ाई से, ये तो पार्ट टाइम पढ़ाई है, अपना काम भी करो, पढ़ो भी, वो दूसरी पढ़ाई भी पढ़ो, रोजगार पेट के लिए धंधा भी करो, ये पार्ट टाइम या कोचिंग आपने लेनी पड़ेगी। और फिर देखना, ये आपके संसारिक धंधे में भी काम आएगा, परमात्मा की शक्ति इसमें भी लाभ आपको पूरा लाभ देगा, और फिर मोक्ष के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4 ये है, उसके पश्चात यानी पीछे लिखा है ज्ञान रूपी उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर तीसरे में ये है, इसलिए इस सुदृढ़ मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पेपल के वृक्ष को यानी उलझे हुए इस संसार रूपी सृष्टि रचना को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण वैराग रूप शस्त्र नहीं तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के यानी इसे समझ कर उसके पश्चात 4 में कहा है उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी बक्षादक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है,
अर्थात जिसने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा के विषय में साधना करने को कह रहा है, और उसकी साधना करने से ही फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। अपने विषय में बता रहा है मेरी भी जन्म मृत्यु हो रही है और आगे भी होगी और तेरी भी होगी, इसलिए तत्वदर्शी संतों के पास जाकर इसका समाधान करा। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत सत्वान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत जो ब्रह्म की साधना करने वाले देवी भागवत के 7वें स्कंद में 462 और 63 पृष्ठ पर पढ़ा कि दुर्गा कह रही है कि ओम नाम का जाप कर और ब्रह्म को उद्देश्य बना, उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति कर और वो ब्रह्म लोक में रहता है उसको प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में वहां गए हुए प्राणी का भी, ब्रह्म साधक का भी, ओम के जाप करने वाले का भी पुनर्जन्म होगा। केवल उस तत्व ज्ञान के आधार से जो 3 मंत्र के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, तत् और सत्य सांकेतिक के दास बताओगा, उस मंत्र से फिर वो मोक्ष पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु का रोग कटेगा और वो अमर पुरुष अविनाशी परमात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में कहा है, 3 भगवान नारे नारे बताए, सर्वपुरुष ये सर्वब्रह्म ये काल है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तेन ऊपर ला ऊपर वालों से दोनों से कोई और है और वही परमात्मा कहलाता है, और यह लोक तरम आविश्य विभर्ती अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उसकी शरण उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्परम की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को यानी जन्म मृत्यु रहित हो जाएगा। वही परम शांति होगी, यहां परम शांति हो ही नहीं सकती, स्वर्ग में परम शांति नहीं, महास्वर्ग में परम शांति नहीं, वहां देखें देवताओं के लठ बाजते, राग द्वेष नो के नो राग में डांस बकवाद, और फिर वो उसके लिए गड़बड़ कर रहा है, वो किसी के लिए कर रहा है, इंद्र कुछ कर गया है, वहां स्वर्ग का राजा इतनी गड़बड़ी करता है तो वहां शांति नहीं। ब्रह्मांड 21 आग लगी है, ओए होए, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की 21 ब्रह्मांड में या नौ की नौ आग लगी हुई है। इन देवताओं के अंदर राग द्वेष की कोई कमी नहीं, इनके अंदर विकारों की कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं, इनके इतिहास पढ़कर देख लो, ऋषियों के पढ़ लो, तो वहां जाकर शांति जीव के बस का नहीं। यहां पर इस काल ने इनको ऐसा पीड़ रखा है, ऐसा तंग कर रखा है कि ये एक पल भी परमात्मा की तरफ ना लगे। जिसको थोड़ा सा भौतिक सुख हो जाए वो बकवादों में डांस क्लब में बकवाद कर घूटी लाने लग जा, पति पत्नी पीण लग जा, फिर कसरे के रहेगी इकट्ठी बैठ के, और जब इनकी दुर्गति हो गधा बना के छोड़ दे ले कट्ठे लातम लाता, या मारो दलते एक दूसरे के वहां कलबा में नाचो थे। तो इसने हमें ऐसा मूर्ख बना रखा है पुण्यात्माओं, ये सत्कर समझ लेना, या कोई भी सुख ठीक नहीं है, ये सारा नकली डुप्लीकेट है, ये झूठा सुख है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि उस वो सर्वभाव से यानी वो किसी प्रभु में आस्था मत रखे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के आधार से उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा, शाश्वत स्थान यानी सतलोक सनातन परम धाम उस अविनाशी लोक में जागा, वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। अब गरीबदास महाराज जी परमात्मा कबीर जी से परिचित होकर के क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, उस सनातन परम धाम को सुख सागर कहा जाता है, जहां जरा और मरण नहीं है, जहां बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, और जहां शब्द सिंधु रत्नागर
जहां अविनाशी शब्द का अर्थ है अविनाशी, वहां सागर है उस यानी वहां नाश है ही नहीं किसी का। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी उल्टा आया। ओए होए इंद्र कुबेर ईश की पदवी ये भी प्राप्त किए और करोड़ जन्म तू राजा भी कर लिया फिर भी तेरी संतुष्टि नहीं हुई और कहीं ठिकाना ठोर मिला नहीं। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब जां, बिन साहेब की बंदगी कित ठोर ठिकाना ना। अब जैसे अब हमने यू घर अपना मान रखा, इसमें जब आपकी यहां से समय आएगा यहां से चलो 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 हो जाएगी, फिर कहाँ स्वर्ग गए मान लिया चिपुन कर्मी प्राणी स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का समय निर्धारित आपके पुण्यों के आधार से वो समाप्त होते ही फिर कहेंगे वहां से भी चलो। ऐसे ही जैसे यहां मृत्यु होती है स्वर्ग के देवताओं की मृत्यु होती है अचानक, बल्कि वहां पर कहते तीन वर्ष पहले अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा तीन वर्ष का समय शेष है, तीन साल पहले तो उसकी घी घी बन जाए, ना कोई खाना अच्छा लगे ना डांस अच्छे लगे और फिर नरक में, नरक पूरा होता कहते चलो चलो फिर गधा बन गया, गधे की मृत्यु होगी फिर चलो चलो फिर कुत्ता बन गया, यानी कितने ठोड़ ठिकाना ना, और सतलोक में जाने के बाद फिर वापस आना ना। अब क्या कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटे न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया तने मिला ना निर्गुण रासा। ये मार्ग नहीं मिला इसलिए तने ऐसी कठिन साधनाएं भी की है, एक बार बस्ती में आया मांग के ले गया जंगल में बैठ गया सुखी आली दो दो तीन तीन दिन खा ली, फिर साधनाएं की, तुझे तड़फ तो है टो है भगवान की चाह है लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से तू यही धक्के खा है। तो अब परमात्मा क्या कहते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन गया, यहां तक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े का मुख्यमंत्री बन जा फूला नहीं समानता, और भाई प्रधानमंत्री बन जा तो बोलिए और तरह की हो जाती है, लेकिन भूल जाता तू जीव है। ये ज्ञान से पता लगेगा चाहे फिर ठीक है भाग्य में कुछ भी बने लेकिन वो जुल्म नहीं कर सकता, वो पाप नहीं कर सकता प्राणी राज रहे या ना रहे, और तभी यहां से छुटकारा होगा। कहते स्वर्ग का राजा भी तू बन, इंद्र कुबेर धन का देवता, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली। ओह अब जैसे एक ब्रह्मा की मृत्यु होगी कैसे होगी, जैसे चार युग हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी होगी, इनके कुल वर्ष बनते हैं चारों युगों के 43,20,000 वर्ष, और ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का जन्म और इतनी रात, इसको सीधा सा 1000 चतुर्युग मान लेते हैं, और ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का एक महीना और 12 महीने का ब्रह्मा जी का वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी मरेगा, और ब्रह्मा जी से 7 गुणी अधिक आयु है विष्णु जी की, विष्णु जी मरेगा, विष्णु जी से 7 गुणा है शिव जी की, ये शिव जी मरेगा, और जब 70,000 बार ये शिव जी मर लेगा तब ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल की मृत्यु होगी। तो ये एक युग होगा परब्रह्म का, उस अक्षर पुरुष का एक युग, और ऐसे फिर 1000 युग की परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, उसके फिर 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की उस परब्रह्म की अक्षर पुरुष की एक आयु, वो भी मरेगा। अब यहां परमात्मा कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा, और इसलिए तू इतनी लंबी आयु भी पाकर तेरी फिर भी मृत्यु, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे।
अपने आत्मा सतगुरु, सतगुरु होता सच्चा ज्ञान देने वाला, वो तो परमेश्वर कबीर जी ने और मेरे गुरुदेव ने इस दास को बना दिया। और आप जी अब भक्त हो, संत हो गए, संत सोए जो सीधा चाल है, सब बुराई त्याग कर भक्ति करता है, सविकारों से हट जाता है, बुराई किसी की आत्मा नहीं दुखाता, वो संत है। तो आप जी जिसके संपर्क में आते हो, आप उसके समझाने की चेष्टा करते हो और फिर इस दास के पास लाकर नाम दिलाते हो। कहते तुम्हें सतगुरु में लगे न कान न भेटा कोई संत रे, वो संत नहीं मिले आपको जो तत्व ज्ञान से परिचित हैं। इसलिए तेरी इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी जन्म मृत्यु का रोग बरकरार रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या बताते हैं आगे, इसका निर्णय करते हैं कि कैसे कटेगा ये रोग। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मद महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे। अब असंग जन्म तन मृत्या हो गए, एक वह जीवित मर ले, जीवित मरना है। जैसे आदमी की मौत होगी वह तो परमानेंट छुट्टी होगी, कोई काम नहीं कर सकता घर का, चाहे बिल्कुल। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा की 3 लड़कियां का ब्याह था, 5 लड़की थी, और मामी गई थी बात न उतन, और बस स्टैंड पर खड़ी थी रोहतक वाले पर, क्योंकि जिसका 3 बेटियां का ब्याह हो बहुत ही दुर्दुर दिमाग में नो लाऊंगी ऐसे करूंगी। कहते एक बस न ड्राइवर बैक करे था अकेला, कंडक्टर उतर गया अपने खुले पैसे देने लग गए यात्रियों के, और उसने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, उसने उस माई का ध्यान नहीं था, वो पिलर बीच और बस के बैक में आ गई और उड़े तड़प कर मर गई। वो ब्याह भी रह गया और वह माइंड की फिरकी हो रही थी, नौकरी दूंगी वो भी वही रह गया। तो परमात्मा ने कहे हैं कि जैसे आप जी सत्संग में इसलिए नहीं आते कि घर का काम बिगड़ जा, और किसी दिन छुट्टी होगी तो परमानेंट फिर क्या करोगे। तो कहते तुम 3 दिन या 1 दिन जिसा ब्योंत हो मर के देखो, जीवित मरो, नो सोच लो आज मेरी मृत्यु होगी, रूढ़े छोड़ दो सारे हथियार, अब देखी जाएगी जो गर्म न होगा। अब 1-2 दिन के बिगड़े हुए काम ने तो फिर जाके संभाल लोगे, और परमात्मा के नाम पर आने वाले का कदे काम बिगड़िया नहीं करता, ये गारंटी देता था सबको, दूने काम ठीक होंगे आपके। बहुत से ऐसे प्रमाण आपको दे सकते हैं जो घर पर रहते आने हुई रिहाने के बाद सुनकर सो 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 खोन लगे। तो इसको जीवित मरना कहते हैं, 1-2 दिन के लिए आप मर भी गए ओण दे जो होगा, और फिर जाकर संभाल लोगे और परमात्मा वहां खड़ा पाओगा आपको। एक भगत था, अपनी भक्ति करा कर भगत, और भगवान ने कह देगा भक्त, लेकिन वो दयालु इतना है कि मेरा बच्चा किसी तरह साधना करके मेरे पास आ जा, सदा सुखी कर दूंगा इसको सतलोक। एक भगत था, बहुत अच्छा भगत था, बूढ़ा हो गया, एक नौकर था उसके, और वो दूर देश का रहने वाला, जैसे यहां से कोई बिहार का रहता हो, और उसकी माँ की मृत्यु होगी, चिट्ठी आ गई और उसके दस्त लाग गए। बूढ़ा इतना बीमार था वो भगत संत कि उसका काफी तकलीफ, बीमार सा था ना, उस समय वो ठीक सा था। तो उसने कह दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी माँ की मृत्यु होगी। अब वो गुरुजी बोले जा, और संत बोले अब जा बेटा, जाया। फिर वो सिसकन लगा, गुरुजी आप फिर कौन संभालेगा आपको, कोई बात ना बेटा आप जाओ, चला लूंगा काम में। अब क्या हुआ, वो तो चला गया और वो भक्त बीमार हो गया, बूढ़ा वर दोस्ता थी, बुढ़ापे में ना मेरा कौन पर कौन सा बीपी लो हो जाए, आई हो जाए। अब वो घड़ा तंग हो गया। अब परमात्मा उस नौकर का रूप बना के वापस आ गया, तो वो कहने लगा बेटा तू गया को नहीं, अग जी मेरा प्रेरणा हुई जानू वापस चालू, लेट हो गया बेटा, कल जाऊंगा सुबह। अरे बाप की ये दशा देख ली, मत ना जाऊं, माँ तो मरली सो मरली, मैं तो उसको जीवित नहीं कर सकता, आपका ज्ञान भी सुन रखा है और आप स्वस्थ हो लोगे जब जाऊंगा। 1 महीने तक वो बूढ़ा थोड़ा सा ठीक हुआ, इतना भगवान उस नौकर का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए, रोटी पोवे,
और खूब नुहा धुआ कर सुहावर नीचे धरती में सोए, जमीन में सोए, संत के भगत के पास में आए। एक महीने के बाद वो बच्चा आ गया, उसके आने से पहले भगवान खिसक गया, अकालिया संभाल लेगा बुढ़े ने। वो लाया कुछ सामान वहां से अपने देश का, कुछ कोई फल लाया कुछ और कहने लगा, ले महाराज जी ये हमारे देश के अब यू फल है, मेरी दोहना चाची राम राम कह थी आपने, मेरा पिताजी नू कह था, मेरा भाई नू कह रहा था। वो बुढ़ा उसके मुंह कहने देखा है, अकर तू क्या बोल रहा है बेटा, मेरा समझ में नहीं आई तेरी बात, ये कौन से कहाँ से ले आया तू ये। बोला जी मैं अपने घर गया था ना, मेरी माँ मर गई, वह बीमार होगी तो एक हफ्ते से बीमार थी, ऐसे ऐसे तकलीफ थी और वह मृत्यु होगी, कोई बात ना हो तो वृद्ध हो रही थी, मेरे चाचा ने बोला और फला। वो कहने लगा तू बात क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही बेटा, अगर जी मैं अपने घर से आया था, कद आया था तो क्या भी आ रहा हूँ सीधा ही। वो कहने लगा ये मेरा काम कौन करा करता, तू यहीं तो था। अगर नहीं महाराज जी मैं तो यही आया हूँ। वो बूढ़ा बहुत रोया, बोला ये भगवान इस पापी ने आपको इतना तंग किया, कई बार धमका भी दिया रहा, तू लाता नहीं फलाना पानी नहीं लाया, यानी जैसे नौकर को धमकाया करते हैं, तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, ये कोई बालका की कथा नहीं है कि दंत कथा नहीं है, सच की सच कहानी है, पर इस योग्य आप हो जाइए। भगवान आपके नौकर कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, दास नौकर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं, और गेल गेल आ गया फिर जब लग धरती आकाश। आप योग्य ऐसे बनोगे, ज्ञान से भक्ति से नम्रता आएगी, पूरी समर्पण मालिक पर हो जाओगे, फिर देखना किस तरह हाथों पर रखता है मालिक आपको। फिर कहते हैं असंख जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और दूसरा डेफिनेशन है जीवित मरने की, शराब मांस तमाखू ये प्रयोग नहीं करनी, मन तो चाहे गुटी ला लूं, फिर इसने समझा दे बक्कल उतर जाएगा, मुश्किल तो सूतमाई है बात क्या कि गुटी ला ले, फिर कुत्ता बनकर गंदी नाली का पानी पिया करेगा। और फिर बताते हैं कि जैसे इस जीवित मरने का है, जैसे कोई लड़की की शादी करता है, बाजे बजाओ डीजे बिगनता है, काल ने तो बकवाद दिया तो मतलब है, तो मन में यह तड़फ नहीं बढ़ देख मैं भी अपनी बेटी का इतना खर्चा करूँ, इस तरह बकवाद करूँ, नहीं जीवित मर जा कर्ण दे, बालक हैं तो नाचे कूदें, और यहाँ पर एक मिनट में के बिजली गिर जा। एक समाचार पत्र में आया था कि एक रोहतक में से बरात गई, सामने तो नाच रहे थे कूद रहे थे, और कलानौर के पास एक्सीडेंट हो गया, वो दूल्हा भी मर गया, जाते जाते ब्याह तो होया भी ना था, और पांच सात बराती भी मर गई, पहले डीजे बाजे तेरी भी के दुआछड़ बाजे उड़े। तो कहते हैं इस गंदे लोक में झूठे सुख को सुख है तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। नानक साहब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे किस विज ढल जा पासा वे, जिना ते सरते मौत खड़क दी उन्होंने केड़ा हंसा वे। तो दूसरा जीवित मरना ये है कि किसी के दूसरे के चोचला ने देख कर मन में तड़फ नहीं लावे और उस पर आश्रित नहीं हो, आसक्त नहीं हो, वो कर्म नहीं करे जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारी मर्यादा को तोड़ते हैं, यो भी जीवित मरना है। फिर कहते हैं दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, दोजक कहते नरक को, बहिष्ट कहते स्वर्ग को, नरक और स्वर्ग में तू खूब गोते मारया, सब जगह तू घूम चुका है, और राजपाट के चाहने वाले, और तीन लोक से तृपत ना ही ये मन भोगी खसिया, इसको यदि तीन लोक भी दे दे तो भी इस मन की संतुष्टि नहीं हो सकती। अब एक व्यक्ति के पास एक छोटा सा प्लाट है, नो दुआ कर रहे भगवान इसमें एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, बस एक बरंडा बन जाए, इसमें गुजारा कर लूंगा, वो बन गया। फिर न सोचा इसमें एक कमरा और हो जाए, वो भी कर लिया। फिर न सोचा है एक प्लाट और हो जाए, दूसरे लड़के का न्यारा हो जाए, वो भी बना दिया, और वो बनाते बनाते मृत्यु होगी, इतना फिर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, उसका चौगर्दा कांड है, कोई घर बन दे नहीं। तो कहने का भाव फिर मान लीजिए कोई एमएलए बन जाता है, सरपंच बनते ही उसके ने सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन ने सोचा एमएलए की टिकट मिल रहा है, एमएलए बने पाछे ने सोचा कि तो मंत्री का जुगाड़ बने जब सूच आवे,
मंत्री बनते ने सोचा कि तो मुख्यमंत्री का सूत बैठे, और मुख्यमंत्री की चाह होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अरे इतने ऊपर ते संदेशा लेक चाल बच्चा हो लिया टाइम पूरा तरह कराकी एक्सीडेंट वैसे या किसी कारण से मृत्यु हो जा, और फिर कहते नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन भोड़े कि करुणी चरणे जाई। अब क्या बताते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं आदि अमर अस्थान। कि कोई सतगुरु मिले तो यहाँ के इस दलदल से बाहर करे, इस गंध को हमें दिखावे कि ये क्या वस्तु है जिसको हम खोज रहे हैं, सारा जीवन खो देते इस माया को जोड़ने में, और या मिलती भी कोई ना। कहते हैं जैतन राजपाठ को चाहिए हमारा धर ले ध्यान, अगर तूने यही बडड़े ढोने हैं तो भी हम भक्ति बताएंगे, इस तय मिलेंगे तो नहीं यही धक्के खाने। जैसे विभीषण ने भक्ति करी परम पिता की शरण में लेकर के, और रावण ने भक्ति करी थी यहाँ के भगवानों की, रावण उस राज्य को नहीं रख सका, विभीषण को मिली उसकी सत भक्ति से। कहते हैं जैतन राजपाठ भी चाहिए धर हमारा ही ध्यान, हमारी भक्ति कर, लेकिन फिर इसके अवगुण से परिचित करा दिया कि इसमें अवगुण बहुत हैं। फिर हमने कहते इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग के राजा के राज्य को भी हमेशा जैसे काग की बीट हो, इन कंपेरिजन ऑफ सतलोक, वहां के सुख के बराबर यहाँ के स्वर्ग के राजा का सुख भी काग की बीट के तुल्य है। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पदमल पदे समाना, पद मिल पदे समाना, यानी पद माने वे ऑफ वर्सी, वर्सिप यानी यथार्थ भक्ति विधि वो पद्धति प्राप्त करके, पद मिल पद समाना। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा ना कि उसके पश्चात परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, तो सत भक्ति रूपी पद्धति से वो परम पद की उसको प्राप्ति हो जाएगी। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। ओए होए यहां चार मुक्तियां हैं यहां पर, कहते ये चारों मुक्ति तो तेरे चरणों में पड़ी रहेंगी, वह इतना सुख होगा। यहां की मुक्ति जो प्राप्त कर ली वो फिर स्वर्ग लोक में होती है, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग को चाहे ब्रह्मलोक को, तो वहां जाने के बाद भी फिर वो मुक्ति एक दिन छुटेंगी, और फिर यही फिर पशु बनेगा के वो तो तेरे पास रहनी ही नहीं। कहते ये सुख सदा तेरे चरणों में सतलोक में रहेगा, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। पूर्ण मोक्ष होगा और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति होगी इस साधना से। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर, इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम कृपा से इस कलियुग के अंदर आप जी को ये सत्संग प्राप्त हुआ। कल के सत्संग में आपको बताया गया था कि पूरे विश्व में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी का अर्थ होता है जो सदग्रंथों के आधार से साधना करते हैं और मर्यादा में रहते हैं, पूरे संत से उपदेश प्राप्त करके साधना करते हैं और सदग्रंथों के ज्ञान को ही सत मानकर आधारित होते हैं, वो सत्संगी होते हैं। और संत और सतगुरु वही होता है जो सदग्रंथों का ज्ञान ही भक्तों तक प्रचार करता है और उसको आदेश हो सत्संग करने का, कथा करने का और उपदेश देने का। ये सारी मर्यादाएं सारे ही पॉइंट जब मिल जाते हैं उस समय ये भक्ति और मुक्ति का कार्य सफल होता है, अन्यथा व्यर्थ प्रयत्न ही रहा है।
उसके विषय में परमात्मा हमें बताते हैं कि एक सत साधना को छोड़कर अन्य जो उपासना करते हैं उनसे इस जीव का कल्याण मोक्ष नहीं हो सकता। उनसे अन्य लाभ हो जाते हैं, जैसे कोई हठ योग करता है, तप करता है और अन्य मंत्रों से उपासना करता है, अन्य मीन जैसे ओम मंत्र का ही जाप करते हैं, अन्य और कुछ नहीं करते वो, ये ब्रह्म तक की साधना है और वेदों के ही मंत्रों से अपना अन्य अनुष्ठान करते हैं, वो साधना भी इनकम्प्लीट है, अधूरी साधना है, वो भी सत्संगी नहीं है। पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण गुरु और पूर्ण मंत्र, वो तीन नाम का मंत्र हो, अधिकारी से प्राप्त हो और श्रद्धालु भी तन मन धन से समर्पित हो करके परमात्मा के ऊपर समर्पण करके सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना साधना करे तो मोक्ष आसानी से संभव है, दुर्लभ नहीं है। परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा की भक्ति सबसे आसान कार्य है और ये कठिन इसलिए बना रहा कि हमें सत साधना का ज्ञान नहीं था। सत साधना का ज्ञान ना होने के कारण हम अपने ही मनमुखी तरीकों से, दंत कथाओं के आधार से, काल प्रेरणा से अन्य साधना करते रहे। जैसे कोई खड़ा होकर तप करता है, अब वर्तमान में एक नाटक सा करते हैं ये संत, जिनको बोली जनता संत साधु भक्त कहती है। अब जून के महीने, जेठ के महीने में 41 दिन 3 घंटे प्रतिदिन दोपहर के समय 11 से लेकर 1 बजे तक अंदाजा सा, ये इस समय में धुने लगा करके 5 धुने यानी 5 स्थानों पर आग जला कर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर और उसके बीच में तपस्या करते हैं 3 घंटे। सूर्य की धूप इतनी होती है और ऊपर से ये अग्नि को चारों तरफ जलाकर उसके बीच में विद्यमान है। तो जनसाधारण ये सोचता है कि ये बहुत बड़ा भक्त है, कोई महात्मा ही पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा महापुरुष है। तो पुण्यात्माओं, यदि उस महापुरुष को, उस संत को ऐसे भगवान मिलेगा तो हम तो वंचित रह गए जो ऐसी क्रिया नहीं कर सकते। तो उसके ड्रामे को देखने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे कोई व्यक्ति लड्डू खा रहा है और हम देख रहे हैं, तो हमें उसके देखने से क्या लाभ होगा? या तो हम भी लड्डू खावें, कोई प्रबंध करें जिससे लड्डू प्राप्त हो। तो पुण्यात्मा, पहले तो ये देखना है कि वो लड्डू खा रहा है या राख खा रहा है। सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है कि वो साधना जो कर रहा है वो शास्त्र अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि वो शास्त्र विरुद्ध है तो वो राख खा रहा है, लड्डू नहीं खा रहा, अर्थात वो यथार्थ साधना नहीं कर रहा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं, तो उनको न कोई सुख होगा और न ही उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। तो सदग्रंथ हमें क्या बताते हैं, ये आपके सामने अब रूबरू किए जा रहे हैं। प्रत्येक सदग्रंथ, सदग्रंथों के अंदर आते हैं पवित्र कबीर साहिब जी की अमृतवाणी जो 5वां वेद है, और उनसे परिचित उन संतों की अमृतवाणी है जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। ये सभी 5वां वेद है और 4 वेदों से आप परिचित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और श्रीमद् भगवत गीता, और ये 18 पुराण है। 18 पुराण वैसे एक ही बोध है जो ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है, उसी ज्ञान को सुनकर आगे अन्य उनके वंशजों ने कुछ अपना सिद्धांत, कुछ अपनी सोच उसमें मिला करके अपने अपने वक्तव्य को और उनके आधार से कुछ और मिश्रण मिक्स करके अलग से 18 पुस्तक बना दी।
वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक ही बोध कहलाता है। पुणात्मा परमात्मा पाना कठिन नहीं है, सबसे आसान काम भगवान प्राप्ति है। यदि हमारा वे ऑफ वर्शिप, हमारा पूजा का तरीका शास्त्र अनुकूल हो जावे, यानी प्रत्येक टर्म एंड कंडीशन पूरी हो, संत पूरा हो, उसको आदेश हो उपदेश देने का, उससे आपको उपदेश प्राप्त हो, मंत्र पूरा हो और फिर शिष्य भी पूरा हो, अर्थात सच्चे दिल से भक्ति करके आसानी से मोक्ष हो सकता है। और परमात्मा की भक्ति ऐसे नहीं होती जैसे वो जंगल वन में चले गए, घर त्याग गए, राज भी त्याग गए, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा मिलने का तरीका तो बहुत ही आसान है और सदग्रंथों में प्रमाण है कि आप अपने दैनिक कार्य को करते करते परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यही उत्तम विधि है। गीता जी अध्याय नंबर 3 में लिखा है कि अर्जुन, कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो काम छोड़कर जंगल में जा बैठा, वन में चला गया, हठ योग करता है, एक बार भिक्षा ले आया, फिर सारा दिन अपना जैसा भी उसको साधना प्राप्त हुई किसी नकली गुरु से वो साधना कर रहा है, वो कर्म सन्यासी है। कर्म योगी वो होता है जो अपना घर में रहते हुए सर्व कार्य को करते हुए बुराइयों से दूर रहता हुआ अपनी भक्ति करता है, वो कर्म योगी कहलाता है। अब कर्म सन्यासी को श्रेष्ठ क्यों नहीं बताया, इसमें मुख्य कारण ये बताया है कि उसके अंदर अभिमान हुए बिना रह नहीं सकता, उसके अंदर अपने त्याग का या हठ योग आदि भक्ति का अभिमान बन जाता है और वो कभी ना कभी अवश्य मार खाएगा। जैसे कर्म सन्यासी थे चुनक ऋषि जी, कर्म सन्यासी से थे दुर्वासा जी, कर्म सन्यासी से थे सुखदेव जी, और कर्म योगी कौन थे, कर्म योगी थे राजा अम्बरीश जी और कर्म योगी थे राजा जनक जी। अब इन कर्म सन्यासियों को इन कर्म योगियों के सामने आके नतमस्तक होना पड़ा, क्योंकि जैसे साधना राजा अम्बरीश भी वही कर रहा था और दुर्वासा भी वही साधना कर रहा था, दोनों ही काल की साधना कर रहे थे, लेकिन राजा अम्बरीश में अभिमान नहीं बना क्योंकि वो गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था, और गृहस्थी और बाल बच्चेदार के कभी भी अभिमानी नहीं हो सकता, कोई अज्ञानी तो दूसरी बात है, क्योंकि उसको कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जैसे राजा था, राजपाट में कोई समस्या आई तो भगवान से याचना करना, डर के रहना, बच्चों कभी कोई ऊक चूक ना हो जाए, बच्चा का गड़बड़ ना हो जाए तो आधीनी रहना, ये स्वाभाविक गुण बन जाता है। और परमात्मा को आधीनी पसंद है, अभिमान नहीं। और कर्म सन्यासी में अपनी साधना और अपने कर्म का त्याग का अभिमान बट नेचुरल है, अवश्य होगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने निर्णय दिया है कौन सी साधना कैसे करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जिन अनुष्ठानों का विवरण श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है, ये वो साधना है जो प्रत्येक साधक अपनी साधना करता है। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई घोर व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ करता है, कोई दूसरी पाठ करता है, वेदों के मंत्रों का जाप करते हैं। कहते हैं ये अपनी अपनी साधना को सभी पाप नाशक जानते हैं, लेकिन कौन से अनुष्ठान करने योग्य हैं और कौन से ना करने योग्य हैं, उनके विषय में जानकारी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, विस्तार से कही गई। उस ज्ञान को गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस
सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात पांचवें वेद को, तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम कर आधीनी से विनम्र होकर प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें वो ज्ञान बताएंगे। फिर ऐसे कर उससे तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो उस सच्चिदानंद घन की वाणी में कौन सी साधनाएं करने को कहा है, कौन सी ना करने को कहा है? सच्चिदानंद घन परमेश्वर ब्रह्म की वाणी में यानी कबीर वाणी में, कबीर परमेश्वर जी ने अपना ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहेब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था। वही अमृतवाणी, परमात्मा का अमृत ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने बोला और वो लिपिबद्ध किया गया। क्या बताते हैं? पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, ये दौरा लूट है तो ही। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि हे पांडे, पांडे कौन होते थे? ये गुरु लोग होते थे हिंदू धर्म के। इनको समझाने की चेष्टा की थी कि तुम जो साधना कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है। पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लुट है तो ही। एक गुदरी एक धागा, पांच तत्व रंग भीना बागा, हार्ड चाम का सकल पसारा, सब गट एक बोलन हारा। भ्रम भेद भूलो मत को, सब गट एक गुड डालो हो। भग द्वारा सब आवे जाही, ऊंच नीच का भिन्न बताई। उधर बीच कहाँ पोथी पाना, सालिक शिला नहीं अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ। दर्पण धोती तिलक ना होता, उर्दमुखी भौजल में गोता। ता नेम अचार नहीं था भाई, ताते समझ शबद लौलाई। गीता गायत्री ना होती, और कागज कलम न पत्रा पोथी। निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा। कंठी माला न मृगशाला, ना चंदन के छापे। और पत्थर पूजे पद नहीं सूजे, पूर्ण ब्रह्म न लापे। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? के हे पांडे अर्थात इन बोली आत्माओं को भ्रमित किए हुए गुरुदेव, आज तो ब्राह्मण बन गया कंधे पर जनेऊ डाल कर। माँ के पेट में से जब आए हैं, चाहे तुम जिसको शूद्र कहते हो और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, सभी एक ही सचिथी में बाहर आए हैं। और माँ के गर्भ में सबके ऊपर जेर लपटी हुई थी। यदि ऐसे कोई मलिन व्यक्ति नजर आता है तो उसको तुम शूद्र कहते हो, तो माँ के पेट में तो सभी शूद्र ही थे, बाहर आकर सभी स्वच्छ हुए। फिर तुम दूसरों को शूद्र किस आधार पर कहते हो? परमात्मा कहते हैं भाई, ऊंच नीच इस विद है लोई, और कर्म कुकर्म कहावे दोई। सुकर्म और कुकर्म चाहे किसी भी ऊंच जाति का है, स्वर्ण जाति का है, और चाहे कोई निम्न जाति का है, यदि वो परमात्मा की साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं, बुराइयों से दूर हैं, तो वो ऊंच हैं, वो निम्न नहीं है। और जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तम्बाकू पीते हैं, चोरी करते हैं, जारी करते हैं, लूटते हैं, मिलावट करते हैं, कहते हैं वो नीच है। वो चाहे किसी भी मजहब जाति या किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं। ऊंच नीच इस विद है लोई, ये कर्म सुकर्म कुकर्म कहाँ में दोई। अच्छे काम करने वाला ऊंच है चाहे किसी वर्ण में है, और बुरे काम करने वाला नीच है चाहे वो किसी वर्ण का है। ते शुद्र ब्राह्मणी जाया भाई, और तुमरा सुदर शरीरम, बाहर आन के भय ब्रह्मचारी, नाते बहुदल नीरम। ब्राह्मणी के पेट से भी सुदर ही उत्पन्न हुआ था, क्योंकि सुदर उसी को कहते हो जो शरण फिर रहता हो, मलिन हो। पहले कर्माधार से ही हमने इनको अलग से एक ही मानव जाति चार विभागों में बटी,
सभी प्रारंभ में एक ही भाई बहन थे, एक ही परमात्मा की संतान थे, एक ही पिता की संतान थे, ब्रह्म की और दुर्गा की। आगे फिर ब्रह्मा से अलग संतान संतति चल पड़ी अलग से, और विष्णु से अलग, शिव जी से अलग। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि जैसे जिन्होंने सफाई आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया, अपना बांट लिया करते हैं घर के काम ने, कोई खेत का काम करता है, कोई घर का संभाल लेता है, कोई मजदूरी पर जाता है तो कोई दूसरा काम कर लेता है, तो उस तरह विभाग बन गए हमारे। फिर कर्म जैसा जिसका था, जैसे कोई सफाई करता है, झाड़ू देता है, या फिर जूते बनाते हैं। पहले क्या करते थे, अपने आप मृत प्राणी पशुओं के चाम उतार कर लाते थे, स्वयं ही उसके जूते उसको साफ करते थे, सुखाते थे अपने घरों में। तो उनके घरों में वो बांस उठी रहा करती, मक्खी भड़कन लाएगी, स्वाभाविक था, जो सा कर्म है वह वैसे व्यवस्था हो ही जाती है। इस कारण से जो ब्राह्मण वर्ग थे, अपने ही भाइयों से जो दूसरे कर्म करते थे उनको शूद्र कहने लगे, और उनसे नफरत करने लगे कि तुम्हारे तो ये मलिन कपड़े हैं, इन पर माखियां भड़कती हैं, दूर 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 हो ले, ऐसे करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बाहरी आडंबर को महत्व ना दे करके अंतःकरण में झांको। यदि आप बुराई करते हो और वो शूद्र बुराई नहीं करता, तो आप बुरे हो, वो नेक आत्मा है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।